अब अगर हमारे किसान भाई जो बेबी कॉर्न की खेती करेंगे तो उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए और कौन सी उसकी प्रमुख किस्में होती हैं? बेबी कॉर्न के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्वीट कॉर्न में तो क्या होता है कि एक पौध में दो क्रॉप बैठते हैं, लेकिन बेबी कॉर्न में हमारा ये टारगेट रहता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्रॉप छोटे छोटे बैठेंगे। इसलिए बेबी कॉर्न जो सीड रेट है लगभग बोला जाता है 20 से लेकर के 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, लेकिन स्वीट कॉर्न में बताया जाता है 10 से लेकर के 11 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कहीं कहीं इसको 5 से 6 किलोग्राम में ही अच्छे ढंग से लगा लेते हैं। तो आपका जो बेबी कॉर्न है इसमें नंबर स्पेसिंग बहुत क्लोज रहता है, तो नज़दीक नज़दीक लगाते हैं जिससे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पौध बने और ज़्यादा से ज़्यादा कॉब लगे। तो लगभग इसको 45x20 सेंटीमीटर पर लगाते हैं और एक एक जगह दो दो पौध लगा देते हैं, तो हमको लगभग 175,000 पौध प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। तो उससे जो है उसमें एक पौध में लगभग 2 से 3 क्रॉप छोटे छोटे आते हैं, तो हमें नंबर ऑफ क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा लेना होता है। इसके लिए प्रमुख वेराइटियाँ हैं जैसे हिमानी 123, VL 41, VL 42 और हिम जो है 129, प्रकाश हिम आपका 128, मक्का 2, मक्का 3, मक्का 16, मक्का 88, बिरसा मक्का 1, HM4 ये वैरायटी है। और इसको लगभग हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक लगाएंगे और जो खेत की तैयारी होती है उसी तरह से हम लोगों को इसका भी तैयारी करना चाहिए। अब हमारे जो किसान भाई हैं पॉपकॉर्न की खेती करेंगे, उनके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए और कौन से प्रमुख किस्में हैं जिनको लगा के वो मुनाफा दे पाए? पॉपकॉर्न के लिए हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि उसकी तैयारी ज़मीन पे जिस तरह से हम लोग स्वीट कॉर्न तैयार करिए, बेबी कॉर्न तैयार किए, उसी तरह से पॉपकॉर्न की भी तैयारी करनी चाहिए। और पॉपकॉर्न की तैयारी के लिए हम सबको जो है ज़मीन की अच्छी तरह से जुताई करके मिट्टी पाटा चला देंगे, गोबर की खाद देते हैं और साथ साथ जो उसमें फर्टिलाइज़र होता है इन लगभग तीनों में लगभग 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश। और अगर आपको अधिक पैदा लेना होता है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, आपको लगभग 60 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 50 किलोग्राम पोटाश की दर से इसको दिया जाता है। और इसमें जो बहुत अच्छी किस्में हैं, प्रभेद हैं, तो उन प्रभेदों को ध्यान में रख करके आपको चुनाव करना चाहिए कि हम सबको जो है बेबी कॉर्न में जैसे अंबर पॉपकॉर्न, जवाहर पॉपकॉर्न 11 और पल्स पॉप जो वैरायटी है और VL अंबर, इन सबको लगाते हैं तो लगभग हमको 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। बुआई के समय अगर आप चाहें तो आप ये प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड और पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड के रूप में आप इनसे ये वीडिसाइड यूज कर सकते हैं। प्री इमर्जेंस में बुआई के दिन, बुआई के एक दो दिन के अंदर में छिड़काव करते हैं पेंडीमेथिलीन लगभग 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, इसको पानी में घोल बना करके 1 हेक्टेयर में छिड़काव करेंगे तो वहाँ पर खरपतवार नहीं आते हैं। लेकिन आपको निकाई गुड़ाई तो करना है, निकाई गुड़ाई करने के लिए आपको बुआई के 20 दिन के बाद आप बढ़िया ढंग से मिट्टी की कोड़ाई कर दें और उस मिट्टी को जो है कोड़ाई करने के बाद एक दो दिन धूप खा लेगा और उस मिट्टी को फिर से जो है आप जो है उसके पौध पर चढ़ा देंगे तो पौध का मिट्टी जो है पकड़ लेगा और गिरने की संभावना नहीं रहेगा, एरेशन बढ़िया हो जाएगा, उसमें खरपतवार की संख्या घट जाएगा और वो पौधा विग्रस और ग्रोथ उसका अच्छा हो।